Hello my dear student, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you tens. Student, जैसे कि मैंने आपके tens start करा दिए हैं और tens में इससे पहले मैं आपकी दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें फर्स्ट मैंने बताया था tens के बारे में और आपके सिंपल प्रेजेंट के बारे में. सेकेंड वीडियो बनाई थी मैंने आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर, इसमें मैंने आपको एग्जांपल समझाए तो उसमें एक एग्जांपल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है स्टूडेंट. उसका मैंने इंट्रोगेटिव बनाना था लेकिन मैंने उसका नेगेटिव बना दिया, तो सॉरी फॉर दैट. तो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. जनरली स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें एक वर्ड आया परफेक्ट. परफेक्ट मीन होता है स्टूडेंट कि कोई काम जस्ट डन हुआ है और इसकी जो पहचान करते हैं जनरली जो हम वो आपके वर्ड आते हैं स्टूडेंट लास्ट में, जिनका हम हिंदी अर्थ निकालते हैं, उच्चारण करते हैं किसी भी आपके सेंटेंस का जब हिंदी वर्ड में, तो उसमें आपका चुका है, चुकी है, चुके है, या है, यूं, पिया, खाया, दिया, लिया, सोया. तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस के लास्ट में जिससे हम ये पहचान करते हैं कि यह आपका जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इसका स्टूडेंट स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट यूज करते हैं, हैज है, हैव है, आपकी मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट इसमें मैंने आपके एक हैज यूज किया और आपका एक हैव यूज किया है. बात करते हैं हम हैज को कहाँ यूज करेंगे. हैज का स्टूडेंट हम यूज करते हैं सिंगुलर आपका जो सब्जेक्ट होता है यानी ही सी इट और थर्ड पर्सन का होता है उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं स्टूडेंट, और आई और वी के साथ हम हैव का यूज करते हैं यानी कि आपके जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे दे है, वी है, आई है, तो इनके साथ स्टूडेंट हम आई के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं और दे और यू के साथ भी, या आपका कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. और वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी स्टूडेंट हम वी थ्री यानी कि उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट यानी के कर्म का. जैसे यहाँ क्लियर किया गया स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल ये में बताया गया कि ही हैज़ रिटन ए लेटर, तो इससे ये और पता चलता है स्टूडेंट परफेक्ट है कि जो हम बात कर रहे हैं इस टेंस में ये काम क्या है स्टूडेंट आपका जस्ट अभी फिनिश हुआ है. ठीक है, जैसे यहाँ बताया ना ही हैज रिटन ए लेटर, तो ही क्या है स्टूडेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का. तो मैंने अभी आपको बताया कि हम हैज का यूज कहाँ करेंगे, तो इसके साथ इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ हैज का यूज किया स्टूडेंट. फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट राइट रिटन की, आपकी राइट रोट और रिटन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज किया स्टूडेंट हमने रिटन का और उसके बाद ये बचा कुछ आपका ऑब्जेक्ट बचा है, तो इस तरीके से हमने यहाँ इसका यूज़ किया है. आई हैव जस्ट वॉट ए पेन, तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मैंने बताया था कि हम हैव का यूज़ करेंगे आपका आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, और अगर आपका कोई भी प्लूरल आपका अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम स्टूडेंट हैव का यूज़ करते हैं. उसके बाद हमने यहाँ वाई की थर्ड फॉर्म यानी वॉट का यूज़ किया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट यूज़ किया स्टूडेंट. नेक्स्ट इसमें बताया गया स्टूडेंट कि इसका यूज हम ऐसे एक्शन यानी ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो वर्तमान में पूर्ण रूप से व्यक्त हुए हैं या हम बात करें जस्ट अभी डन हुए हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था इसका यूज हम वहाँ करेंगे जैसे कि अगर आपका कोई भी कार्य तुरंत अभी पूरा हुआ है, पूर्ण हुआ है, डन हुआ है. ठीक है, जैसे बताया ही हैज गॉन, तो वह जा चुका है, यहाँ लास्ट में अगर इसका हम हिंदी प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें क्या आएगा, वह जा चुका है. द ट्रेन हैज अराइव, ट्रेन आ चुकी है. सी हैज स्लिप्ड, वह सो चुकी है. आई हैव टेक लंच, मैं खाना या सॉरी मैं अपना लंच ले चुका हूँ. ठीक है, तो यहाँ बताया गया हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हम ही सी इट और कोई भी आपका नंबर होता है यानी नाउन होती है आपकी नंबर है प्लेस या थिंग है यानी सिंगुलर में होती है स्टूडेंट उसके साथ हमने हैज का यूज़ किया जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है. फिर भी मैंने आपका फिर से क्लियर कर दिया कि हैव का यूज हम आई यू वी दे और कोई भी एनी अदर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ देखो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि यहाँ मैंने बताया था कोई भी कार अभी जस्ट हुआ है कि ही हैज़ गॉन, तो वो अभी गया है ना तुरंत, इसी के साथ हमने यहाँ ही है थी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ हैज़ का यूज़ किया है. द ट्रेन क्या है स्टूडेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन में आता है इसका यानी कि अभी आपकी किसी क्या है किसी भी थिंग की यानी कोई नाउन की बात की है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ हैज़ का यूज़ किया. वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव की अराइव यूज़ किया स्टूडेंट. सी है स्लिप्ड, तो स्लिप यहाँ पर स्लिप्ड सी के अकॉर्डिंग यहाँ हमने हैज का यूज़ किया है. आई के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने यहाँ हैव का यूज़ किया है टेक और आपका लंच आई हैव टेक लंच. बात करते हैं स्टूडेंट हम इसके अगर हम इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव दोनों बताए गए हैं. तो नेगेटिव का जो स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चर हो वो होता है आपका सब्जेक्ट हैज़ हैव यूज़ करते हैं, जैसा आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हैज़
या हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम आपका नॉट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट, उसके बाद हम आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव में हैज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी थ्री और आपका ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट हम दो तरीके से आपका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, एक हम आपका हैज एप से बना सकते हैं और एक आपका होता है हम WH फैमिली के जो आपके वर्ड होते हैं आप उनसे भी आप इनका क्वेश्चन टैग बना सकते हो, इंट्रोगेटिव इनके आप बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल बताया, ए से स्टूडेंट आपका अफर्मेटिव है, एन से नेगेटिव है और आई से आपका इंट्रोगेटिव। मैंने यहाँ बताया कि दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, तो दे के क्या स्टूडेंट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ हैव क्या यूज़ किया और गॉ की आपकी गॉन आपकी थर्ड फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स जब हम बात करें स्टूडेंट की, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो मैंने बताया था सब्जेक्ट और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट, जो हम मैंने वर्ड इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हैज़ आया, तो उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना होता है और उसके बाद स्टूडेंट आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है वर्ब का। इंट्रोगेटिव बताया है कि हैव दे गॉन, तो यहाँ स्टूडेंट आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट वो पहले आ जाती है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और बाकी का तो जो आपका गॉन है यानी थर्ड फॉर्म है वो हम बना सकते हैं इस तरीके से। ही के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने यहाँ हैज़ का यूज़ किया है, कम थर्ड फॉर्म है आपका ही हैज़ नॉट कम, तो ये आपका स्टूडेंट नेगेटिव बनाया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ नॉट यूज़ किया और उसके बाद जो आपके आपके जो टेंस की जो मेन फॉर्म है आपकी कम आना की उसके हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाया, तो स्टूडेंट हमने क्या किया है हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया है और आपका सब्जेक्ट उसके बाद भेज दिया और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म और आपका क्वेश्चन टैग जरूरी होता है स्टूडेंट लगाना, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट की, यहाँ जैसे बताया गया हैज ही कम, क्या वो वहाँ गया, अगर हम बोले वाई, हम बोले वहाँ पर वो क्यों गया, तो हम स्टूडेंट यहाँ वाई यूज़ कर देंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इस तरीके से आप बना सकते हो इनका। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी में बात की गई है आपकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अब हम बात करने वाले स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी कि आपका प्रश्न सूचक और आपका नकारात्मक सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। स्टूडेंट आपका इसमें स्ट्रक्चर दिया गया हैज या हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, उसका बी थ्री और आपका ऑब्जेक्ट, ये तो सेम उसी की तरह हो गया जो मैंने आपको ऊपर बताया था, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ने नॉट का यूज़ किया, तो सब्जेक्ट बाद ही हमें यहाँ पर यूज़ किया है तो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक तरीका होता है स्टूडेंट जहाँ हम एक साथ हेल्पिंग वर्ब और आपको नॉट को एक साथ कनेक्ट करके बना सकते हैं, जैसे हैज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में हैजंट बोल सकते हैं और हैव नॉट को स्टूडेंट हम हैवंट बोलते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट और बी थ्री और बाकी आपका ऑब्जेक्ट और आपके क्वेश्चन टैग लगाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ भी बात आपकी इंट्रोगेटिव भी आएगी स्टूडेंट तो वहाँ पर हमको क्वेश्चन टैग लगाना और जहाँ नेगेटिव भी बात होगी तो वहाँ पर नॉट या नेवर लगा करके हम उसका नेगेटिव बना सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ अफर्मेट में बताया गया कि ही हैज़ टेकन फूड, उसने खाना खाया या खाना लिया, उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया गया स्टूडेंट हैज ही नॉट टेकन फूड, क्या उसने खाना नहीं लिया है या खाया नहीं है, तो यहाँ स्टूडेंट इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद हम यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है उसके बाद थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया है। सेकेंड एग्जाम इसी के इसमें बताया गया, दूसरा तरीका बताया गया स्टूडेंट कि हम यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है ही और ही आपका थर्ड पर्सन बात है और सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैंने बताया है कि उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ हैज़ तो हैज़ का मैंने आपको सेकेंड ये आपका जो स्ट्रक्चर बताया था इसमें हम हैज़ नॉट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, उसको हम हैजंट बोल सकते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट आपकी वर्ब और आपका स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट या स्टूडेंट जो कुछ भी बचता है उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग। वी एग्जाम्पल में स्टूडेंट आपको बताया आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई के अकॉर्डिंग यहाँ हैव वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट आपकी हैव क्या आपकी यहाँ पे वर्ब है आई के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट नॉट डन और आपका अदर वर्ड्स और आपका क्वेश्चन टैग। दूसरा तरीका है आपका हैव को स्टूडेंट हम शॉर्ट फॉर्म में आपका हैवंट भी बोल देते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है और डन है क्योंकि हमने इसके साथ ही नेगेटिव, तो स्टूडेंट आप इस तरीके इसका तो जनरली जो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट यही पढ़ते हैं, इस तरीके से आप इसको परफेक्ट का आप इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का आप इस तरीके से इनको टेंस को कर सकते हो, लेकिन हम स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी के अकॉर्डिंग हम और आपकी कुछ रूल हैं इस वीडियो में उनको भी हम आगे पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपकी जो मेन जो पॉइंट्स थे उनको मैंने रूल में कन्वर्ट कर दिया है और ऐसे ही मैंने यहाँ पर रूल फर्स्ट में बताया आपका स्टूडेंट कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ ऐसी स्थिति में करते हैं कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है स्टूडेंट जिसमें हम कार्य का ना तो पूर्ण
होने का समय नहीं दिया था, लेकिन कार्य आपका कंप्लीट तो हो चुका है, यानी कि एक्शन जो आप कर रहे थे वो आपका डन हो चुका है, लेकिन ये आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि ही हैज़ बीन टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जा चुका है, तो यहाँ स्टूडेंट आपका कन्फ्यूजन एक तरीके से है ना, कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया है लेकिन बताया गया है कि वो दिल्ली जा चुका है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कार्य पूरा हुआ है, कार्य पूरा तो हुआ है लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जा चुका है, तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ किया है और आपका क्वेश्चन टैग। तो आप इस तरीके से भी स्टूडेंट आपका इनका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। तो यहाँ इसने जनरली आपसे क्वेश्चन पुटअप किया, आप ये कहोगे सर आपने यहाँ तो क्वेश्चन टैग आपने यूज़ किया है और ना ही आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, तो ये स्टूडेंट आपकी कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड रूल, इसमें बताया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम ऐसे एक्शंस के लिए भी करते हैं जो पास्ट में तो पूरे हो चुके हैं लेकिन उन कार्यों का, यानी जो भी हम एक्शंस कर रहे थे उनका हम वर्तमान में आपको महसूस होता है कि भाई जो हमने काम किया है वो अब भी आपका चल रहा है, यानी अभी भी रनिंग में है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप स्टूडेंट आपका प्रेजेंट आप परफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल मैं आपका बताया कि आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट, आपने कार्य तो कर लिया है ना, आई के अकॉर्डिंग हैव और वही आपका थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बताया गया है कि आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने जो आई हैव कम्प्लीटेड और मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, या मैंने अपना जो कुछ भी काम था मैं जो कर रहा था वो मैं अपना काम कर चुका हूँ, लेकिन इससे क्या है स्टूडेंट, उसका प्रभाव हमें वर्तमान में फील हो रहा ना भाई। अभी मैं कहूँ आई हैव मेड माई वीडियो, तो वीडियो तो बन चुकी लेकिन उसका इफेक्ट क्या है स्टूडेंट, उसका इफेक्ट अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये काम हो रहा है। जैसे ही हैजेंट अराइव यट, यानी यट मीन्स होता है स्टूडेंट वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, यानी नाउ टाइम तक, तो वो यहाँ तक आया नहीं है लेकिन वो क्या है, वो काम तो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट कुछ आपके एक्शंस होते हैं इनका हम वर्तमान में भी इनका हमें लगता है कि भाई ये काम अभी भी चल रहा है। रूल नंबर थर्ड में बताया गया स्टूडेंट आपका येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, शो फॉर, एवर का यूज करते हैं स्टूडेंट हम आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बात करते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में इनका हम यूज़ क्यों करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यह आपके होते हैं एडवर्बियल, या हम कहें एडवर्ब्स होते हैं स्टूडेंट। इनका मीन्स क्या होता है, जैसे आपका एवर है तो एवर मीन्स होता है कभी, या हम कहें अब तक किसी समय की बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट उसमें हम, और बात करें हम ऑलवेज की तो ऑलवेज होता है आप जानते हो, ऑलवेज होता है हमेशा या सदा के लिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलरेडी माने पहले से ही, अप टू मॉर नाउ मीन्स अब तक, टुडे मीन्स आज, ऑफन माने बहुत या अनेक बार कहें हम, सेवरल टाइम्स मीन्स भी यही होता है स्टूडेंट का मतलब बहुत बार, लेटली मीन्स होता है हाल में ही, रिसेंटली मीन्स भी हाल में होता है स्टूडेंट आपका, सो फार होता है जहाँ तक बात करें, या हम कहें जब तक, एवर मीन्स आप जानते हो हमेशा। तो ये स्टूडेंट आप इनका यूज़ करते हैं किसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। कैसे, जैसे यह बताया गया कि हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल यट, अब यहाँ यट यूज़ किया गया स्टूडेंट, यट का मीन्स क्या है कि वे बोल रहा है कि आप बच्चे स्कूल जा चुके हैं कब तक, ये जो यट यूज़ किया है इसका मीन्स हो गया स्टूडेंट ये बच्चे जो बोल रहा है, अब तक यट मीन्स होता है अब तक, यानी कि जिस टाइम ये बोल रहा है कि उस टाइम तक बच्चे जा चुके हैं। जैसे यहाँ बताया राम लेफ्ट यट, राम जा चुका है, तो यहाँ स्टूडेंट आपका यट, यानी ये इस टाइम बोल रहा है ना कि क्या राम जा चुका है, तो उस टाइम तक ये बात कर रहा है, तो यहाँ हमने यट का यूज़ किया स्टूडेंट आपका। कि हैव यू एवर बीन टू रशिया, क्या तुमने कभी रशिया को देखा है, क्वेश्चन टैग आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पर। या आई हैव ऑफन बीन देयर, आई के अकॉर्डिंग हैव ऑफन मीन्स कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रूल नंबर फोर, इसमें बताया गया है स्टूडेंट आपका कि यह आपकी कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जिनमें हम आपका प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे दिस है, इट है, दैट इज़, ये आपका स्ट्रक्चर है। सेकंड ओनली वी, बेस्ट या वर्स्ट, जैसे यहाँ बताया गया दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रिंक, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो एवर मीन्स क्या होता है आपका कभी, या हम कहें जबी तक, यानी कि इस टाइम तक ही बात कर रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट विस्की, दिस इज़ द बेस्ट विस्की, यह सबसे अच्छी विस्की है, दैट आई हैव एवर ड्रिंक, यानी अब तक मैंने जो पिए हैं। तो यहाँ ये आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट इस तरीके से कि दिस इज़ द बेस्ट,
दिस इज द ब्रेस्ट, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट, तो इनके साथ हम एवर एवर इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि दिस इज़ द वर्स्ट नॉवल आई हैव एवर रीड, यह अब तक का सबसे खतर मतलब सबसे ख़राब नॉवल है जो मैंने अब तक पढ़ा है स्टूडेंट्स। यहाँ बताया गया दिस इज़ द थर्ड एप्पल यू हैव इटन सो फार, यह आपका मतलब तीसरा एप्पल है जिसको अब तक तुम खा चुके हो, यानी इस टाइम की ये बात कर रहा है, यानी अब तक तुम इसको याम कहें जब तक तुम इनको खा चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर इसका याद कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, इसमें बताया गया इट इज़ के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे इट इज़ द 3 ईयर सिंस आई हैव सीन हर, यह मतलब तीसरा साल है जिसको मैंने यहाँ पर उसको देख लिया है। तो यहाँ स्टूडेंट आपका सिंस और आपका फॉर इसमें हम यूज़ करते हैं, हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या हम पास्ट परफेक्ट की बात करें या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके लिए मैं अलग से सिंस और फॉर के लिए स्टूडेंट जब हम प्रपोजिशन कराएंगे वहाँ भी इसकी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, और नहीं तो मैं इसमें आपको जब मैं इसका कंटिन्यूस का पार्ट कराऊंगा आपका पास्ट या प्रेजेंट का, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। और ये है स्टूडेंट आज की वीडियो का आपका लास्ट रूल नंबर 5, इसमें बताया कि जब हम किसी पास्ट एक्शन यानी कि कोई भी वार्तालाप की बात करते हैं या हम बात करें किसी भी कंडीशनल क्लॉज यानी बात की जाती है जहाँ पर कोई शर्त के साथ हम, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी जिससे हमें क्या होता है ऐसा लगता है स्टूडेंट कि हम क्या है हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल दिया गया है कि व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा, तो यहाँ ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, एक कन्वर्सन कर रहा है, आपस में बात कर रहा है कि व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा, तो इसने आंसरिंग किया कि आई बॉट वन पेन ओनली, कि मैंने एक पेन खरीदा है। तो यहाँ मैंने बताया स्टूडेंट इसका यूज़ हम आपका पास्ट एक्शन यानी वार्तालाप यानी कि हम कन्वर्सन के लिए कर सकते हैं। और दूसरा बताया मैंने आपका यहाँ पर स्टूडेंट आपका इसका हम कंडीशनल क्लॉज यानी कि जो शर्तों वाले होते हैं उस, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल कम एज सून एज आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क, तो जैसे कि आई विल कम सून, मैं जैसे जल्दी आऊँगा, एज सून एज जितना जल्दी होगा मेरे से, आई के साथ हमने हैव यूज़ किया है, फिनिश का आपने थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यूज़ किया स्टूडेंट यहाँ पर, और दिस लेटर, तो जैसे ये आपका जो पत्र लिख रहा हूँ मैं जैसे जल्दी आऊँ, तो यहाँ ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज की वीडियो करते हैं हम समाप्त यहीं पर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.